नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। दोस्तों मैं फिर से आई हूँ आपके साथ एक और नए शो के साथ, उसके बारे में बात करने के लिए। क्यों करना चाहती हूँ मैं नए शो की बात? क्योंकि वो शो भी आप लोगों के वोट्स पर आधारित है, यानी कि आपके वोट्स और कंटेस्टेंट्स की जीत, यानी कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। आप सोच रहे होंगे कि अभी बिग बॉस को टाइम है तो ये कौन से शो की बात कर रही है। मैं बात कर रही हूँ इंडियन आइडियल 10। तो दोस्तों इसके बारे में और बात करते हैं, उससे पहले कीजिए आप हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब, जो पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। दोस्तों इंडियन आइडियल 10, जी हाँ, सिंगिंग रियलिटी शो शुरू हो चुका है सोनी चैनल पे 7 जुलाई से। यानी कि जब 7 जुलाई से ये शो शुरू हुआ उसमें 14 कंटेस्टेंट थे, 14 लोगों ने पार्टिसिपेट किया डिफरेंट स्टेट से इंडिया की। अपनी अपनी स्टेट का फ्लेवर लेके ये लोग इस शो में आए। अब इस शो में बचे हैं सिर्फ 12 कंटेस्टेंट। मशहूर होस्ट यानी कि आप सबके प्यारे मनीष पॉल इस शो को कर रहे हैं होस्ट अपने कॉमिक अंदाज में, अपनी ह्यूमरस टाइमिंग के साथ। और इस शो को जज कर रहे हैं नेहा कक्कड़, अनु मलिक और विशाल ददलानी। जी हाँ दोस्तों, मशहूर जजेस हैं और बहुत ही टैलेंटेड जजेस हैं, जिनको सुर की पकड़ इतनी अच्छी है कि किसी को भी वो पहचान सकते हैं कि ये सुर से भटका या कहीं ना कहीं आगे निकल गया। तो ये शो दोस्तों इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं बात करती हूँ उन पार्टिसिपेंट्स की जो इस शो में अभी है, तो उनके नाम है दोस्तों, सबसे पहले मैं नाम लूंगी अंकुश भारद्वाज का, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं। तो अंकुश काफी टैलेंटेड हैं। दूसरा नाम है नितिन, हिमाचल प्रदेश से। फिर से अंकुश भी हिमाचल प्रदेश से और नितिन भी हिमाचल प्रदेश से, यानी कि दो हिमाचल प्रदेश के कंटेस्टेंट हैं इस शो में। तो आगे इसमें है विश्वजीत महापात्रा, जी हाँ ये उड़ीसा के कंटेस्टेंट हैं, उड़ीसा से आए हैं। मैं आपको दोस्तों 14 के 14 कंटेस्टेंट के नाम जरूर बताऊंगी, इसमें से 2 निकल चुके हैं, वो आपको पता ही होगा अगर आप रियलिटी शो देख रहे हैं। तो उन 14 में से आपका फेवरेट कौन है? जो निकल गए वो तो निकल गए, उनमें से कौन है वो आपको बताना पड़ेगा। तो चौथा नाम है रेणु नागर, ये राजस्थान से है, ये आज गाएंगी शायद। सलमान अली हरियाणा से, इन्होंने तो अपनी सिंगिंग का लोहा पहले ही जमा दिया है क्योंकि ये काफी अच्छी सिंगिंग कर रहे हैं और आज भी इनके बारे में बातें होंगी शो में। तो आगे नाम है कुणाल पंडित, ये मुंबई से हैं, तो मुंबई वाले तो इनको जरूर वोट करेंगे। फिर है जी कृष्णा कली त्रिपुरा से, फिर है इंदिरा दास कोलकाता से, और सौम्य चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल से, अवंती पटेल महाराष्ट्र, जी हाँ महाराष्ट्र से भी 2 हैं, एक मुंबई से और एक अवंती पटेल जो कि महाराष्ट्र की बताई जा रही है, बहुत ही प्यारा गाती हैं। निलंजना रॉय वेस्ट बंगाल, सौरभ वाल्मीकि, सोनिया जो कि एलिमिनेट ऑलरेडी हो चुकी हैं, और विभोर पराशर दिल्ली से। तो दोस्तों बहुत डिफरेंट स्टेट से ये लोग आए, सिर्फ पंजाब का कोई नहीं है, कोई बात नहीं इस बार नहीं है, मगर हरियाणा से तो है ना, दिल्ली से तो है ना। तो इस तरह ये सारे के सारे कंटेस्टेंट अपनी अपनी जो कला है, सिंगिंग जो टैलेंट है, उसका लोहा मनवा रहे हैं अपने जजेस के बीच में, अपने लोगों के बीच में। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है आप वोट करके जरूर हमें बताइएगा, ताकि हम भी अपने वीडियो के जरिए उसको और ज्यादा प्रमोट कर सकें। जिसको आप जिताना चाहते हैं उसका नाम हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। हर हफ्ते मैं इंडियन आइडल के ऊपर वीडियोस आपको भेजूंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी, और आपको भी लगता है कि और क्या डिस्कस करना चाहिए इस रियलिटी शो के बारे में जो कि सिंगिंग के ऊपर आधारित है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रियलिटी शो है, सिर्फ और सिर्फ टैलेंट है जो कि आपको दिखेगा और उसी के ऊपर आपको करनी है वोट। तो आपके जो वोट है अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को दीजिए और हमें कीजिए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम कमेंट। बात करेंगे अगले हफ्ते इसी शो के बारे में। टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।